नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बुलंदशहर की खबर है। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बुलंदशहर के नया गांव खाजपुर में हलवाई की दुकान में चोरी। रात्रि में बेखौफ चोरों ने हलवाई की दुकान में की कुंडी तोड़कर चोरी। हलवाई की दुकान में रखे 5 सिलेंडर कढ़ाई और गल्ले में रखे 10,000 रुपए भी चुरा ले गए चोर। मौके पर पहुंची पुलिस गांव के 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। रचना के पति कुछ साल पहले एक्सीडेंट से दिमाग फेल हो चुका था। रचना का नहीं कोई सहारा, नया गांव खाजपुर के किराए के मकान में रहकर खुद चला रही थी जेस मिष्ठान भंडार। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के नया गांव खाजपुर का मामला। बाइट रचना हलवाई पीड़ित, बाइट महिपाल सिंह पीड़ित के पिता। हमारी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना। देखिए वसीम सैफी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रचना। रचना, क्या हुआ है आपकी दुकान में? चोरी हो गई थी हमारे, मैंने चलना दिया था उनको पानी पीने के लिए, पीने खाने वाले तो उन्होंने देख लगा मुझे, ये धमकी देकर गया आगे फिर ऐसे। तो मैं भी चलो कोई ऐसे को चोरी करो तो फिर हमें चोरी कर दी। काय की दुकान है आपकी? हलवाई हलवाई के चाय बनाऊँ, जो भी सौदा कुछ भी बना ली, मुझे खीरी समोसा। तो क्या क्या सामान चुरा है आपका? हमारे सिलेंडर है 5, 2 कढ़ाई, 10,000 रुपया वाला। पुलिस आई थी? पुलिस आई है, छानबीन कर रहे हैं कि वहाँ जाओ अपनी एप्लीकेशन करवाओ वहाँ जी पुलिस चौकी। महिपाल सिंह, महिपाल जी, क्या हुआ है? हलवाई की दुकान है आपकी बेटी की? हमने सो आगे देखा तो तारे खुले ले लिए थे, तो उसे उसे पास सड़क पर निकल के पूरा बैग समझ रहा थे और कपड़े में कसे रहे थे, तो लड़की के पुलिस थे वो चोरी हो गई। तो पुलिस आई थी यहाँ पर, क्या कह दिया पुलिस ने? पुलिस आई है, पुलिस का था कि लिख कर दीजिए और नाम का मेरा फोन कर दिए, लड़की ने जो जो इसके साथ वादा करे पत्थर निकल गया।